So, which chapter we are doing right now? Or we supposed to start today? Lifelines of Indian economy, of national economy. Lifelines of national economy. Okay. So, fine. इससे पहले मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? विच चैप्टर आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास? बताओ। सर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, सर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी कंप्लीट हो गया था। आप सभी ने नोट्स बना के भेज दिए हैं? यस सर। ओनली वन स्टूडेंट इज सेइंग यस। बाकी लोग बताइए। जैद सौरन, आपने भी भेजा है नोट्स? यस सर। जैद, यस सर। ठीक है। बाकी लोग बताओ। मानस भिखारी, मनोज कुमार, कृष वर्मा, क्यों? सर रफली बनाए मैंने, ज्यादा अच्छे से नहीं बनाए इसलिए भेजे नहीं। सर स्कूल में थोड़ा सेकंड टर्म का वर्क ज्यादा करा रहे हैं अभी, तो स्कूल का वर्क ज्यादा हो रहा है। सेकेंड टर्म का कौन सा वर्क ज्यादा हो रहा है अभी? सर मतलब चैप्टर की एक्सरसाइज सारी अभी ज्यादा ज्यादा अभी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे ताकि रिवीजन हो जाए। सर तुम्हारा तो ऑलरेडी हो चुका है ना सारा कुछ यहाँ पे, ठीक स्कूल का है। मानस तुम बताओ, तुम्हारे पास स्कूल कुछ है है सर, अब बताने के स्कूल लिए? खुल गए हैं ना सर, तो सर थोड़ा पेंडिंग वर्क था जो मैम ने कराया था, तो फिर वो स्कूल खुल कंप्लीट गए तो कर पेंडिंग दिया वर्क कर रहे हो? सर। वो मैंने थोड़ा क्यों ऑनलाइन इतना, तुम्हारी आवाज शिफ्ट की इतनी थी ना धीरे क्यों आ रही है मानस? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर, अब ठीक आ रही है आवाज़ सर। है। अभी भी बहुत लो है। बोलो क्या कह रहे हो। यस सर। सर मैं कह रहा था कि सर थोड़ा मैं ना सर ऑनलाइन क्लास को स्किप करता हूँ सर एनटीएससी के लिए सर, अब एनटीएससी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है सर, तो अभी तो सर स्कूल का काम कर रहा हूँ थोड़ा सा सर, वो काम छूट गया था सर जो एनटीएससी के लिए पढ़ रहा था सर, वो कंप्लीट कर रहा था। अच्छा, एनटीएससी का छूट गया है तो ठीक है, अच्छा है। सर अब पोस्टपोन हो गया है तो सर थोड़ा अब स्कूल पे फोकस करना पड़ेगा ना। हाँ, स्कूल पे फोकस करोगे, बट अभी भी देखो तो अभी जस्ट टर्म वन कंप्लीट हुआ है। टर्म टू आई थिंक मार्च अप्रैल में होगा, ठीक यस है। सर। और अच्छी बात है, नोट्स बनने चाहिए, ठीक है, कंटेंट आना चाहिए, यही मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके राइट। सर। चलो हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। यस जियोग्राफी सर। में लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, दो बच्चों ने नोट्स बनाई है, अर्नव एंड जैद, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों का आई डोंट नो, मतलब नोट्स पहले से नहीं भेज रहे हैं तो नई बात नहीं होगी। जो लोग भेजते थे वो नहीं भेज रहे हैं, वो जो है कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है मेरे लिए। बाकी लोग तो फिर वही जानते होंगे कि वो नोट्स बना भी रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है, बनाना चाहिए उनको, राइट। अच्छा, तो गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू, राइट। मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। कृष वर्मा, आपने क्यों नहीं भेजा अभी तक? वैसे सर मेरे मेंटल एबिलिटी वीक है तो सर मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था क्या वीक है तुम्हारा मेंटल एबिलिटी में? सर। कई सारे टॉपिक्स सर मुझे पता ही नहीं उनमें क्या अप्लाई होगा, इसलिए सर मेरे से क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ इंटरनेट पर। अच्छा, यस सर। अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया सर, क्लॉक टेस्ट हो गया सर, वो मेरा वीक है इसलिए मैं उसी की प्रैक्टिस करता हूँ कौन कौन सा, क्या क्या वीक है? सर। क्लॉक टेस्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, सर ऐसे जो टॉपिक्स हैं ना सर वो मेरे वीक हैं इसलिए सर मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा चलो ठीक है। तुम लोगों का आपस में कोई ग्रुप है कि नहीं, बाकी स्टूडेंट्स का? और जितने भी लोग हो आपस में कोई ग्रुप है, केल्विन ग्रुप?
सर यस सर, टेलीग्राम पे है। यस सर। अच्छा, आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी को, राइट? दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो अर्नब एंड जैद के जो है मिले हैं नोट्स, ऋषभ ने भी बनाया है बट आई थिंक पुराना है। नेक्स्ट, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम देखते हैं। आई होप अर्नब आपने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया होगा, नोट्स भी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। यस सर, सर आउटकम्स और चैलेंजेस दोनों के पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। चलो ठीक है। हाँ, तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में मैंने शायद पिछले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दिया होगा इसके बारे में कि क्या है, क्या पढ़ना है हमें, ठीक है? तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे सर्विस सेक्टर से, वेयर इज दैट पेन, पेन हुआ करता था, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इसमें, वी विल कम अक्रॉस ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है? अब लाइफ लाइन्स क्यों कहा जा रहा है, वी विल कम टू दैट पोर्शन ऑल्सो, ठीक है? आप देखो यहाँ पे प्लेन भी दिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एज है ना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एज इट हैज बीन शोन ओवर हियर। तो आई थिंक मैंने डिस्कशन किया था कुछ, जिस जो है बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई जो ट्रेड है, ट्रेड को आपको फैसिलिटेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन, यू नीड टू बिल्ड अप अ कम्युनिकेशन। आफ्टर बिल्डिंग अप कम्युनिकेशन, यू नो द फर्दर थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आफ्टर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन विल बी डन, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज विल रीच टू द रेस्पेक्टिव प्लेस, राइट? एंड सो दीज ऑल थिंग थ्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट? इफ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट वन, मीन्स ट्रेड, यू नीड टू हैव यू नो अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट? एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, राइट? इवन द इवन ट्रेड ऑल्सो विल कंसिडर इन इट। चलो एक बार रीडिंग करो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। कौन रीड करेगा? मनोज, हाँ रीड करो मनोज पहले। ओके सर, लाइफ लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन अवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग, व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग दीज फ्रॉम अदर प्लेसेस। गुड एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स लोकेलीज टू डिमांड लोकेलीज ऑन देयर ओन। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। Some people are engaged in facilitating these movement. These are known to be trader and who make product come to be to the consumer by transportation. तो Thus आई the थिंक ये pace सारी of चीजें, ये सारी चीजें इतनी बेसिक हैं, मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कहीं ना कहीं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो हर जगह से पढ़ते आ रहे हो अभी तक। यस सर, यस सर, बस यस सर, रीड करते ही आपको इतना सब कुछ तो समझ में आ ही रहा है कि ये सब तो हम जानते ही हैं, यस सर, इजंट इट? यस सर, यस सर। चलो कंटिन्यू करो। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर पेस। देयर फॉर एफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री क्यूस्टिस फॉर फास्ट डेवलपमेंट। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड प्री सर्विस रिक्विजिट्स कहो इसे, ठीक है? ओके सर आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। Based on these, transport can also be classified into water, land, and air transport, expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of the equally developed communication system. Therefore, transport, communication, and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast Okay, you size. might find a question. Wait. You might find a question in your board examination that transport, communication, and trade are complementary to each other. Explain. क्योंकि अब तो
रिटर्न भी होगा ना, ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब क्या होगा, रिटर्न भी होगा, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो एक्सप्लेन, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज ट्रू और जस्टिफाई द स्टेटमेंट, राइट? सो व्हाट यू विल डू, यू विल पिक अप ट्रेड, यू विल पिक अप ट्रांसपोर्टेशन, यू विल पिक अप कम्युनिकेशन, एंड यू विल ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन अमॉन्ग द थ्री। यू विल टेल दैट हाउ दे आर, हाउ दीज आर एक्चुअली यू नो कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड हाउ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रेड। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, वॉट नेक्स्ट यू हैव टू राइट, राइट? ट्रेड करना है तो पहले बात करो, बात करने के बाद फिर जो है कि ट्रेड फैसिलिटेट होगा, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे है? कैसे आप जो है कि जो है एक सामान को दूसरे सामान पे, सामान तक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को भेज पाओगे, राइट? समझ में आया ये यस क्वेश्चन? सर, यस सर। चलो नेक्स्ट। टुडे इंडिया इज अ वेल लिंक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज डाइवर्सिटी एंड द लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चरल प्रोबेबिलिटी प्लूरलिटी। अंडरलाइन करो ये सब। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वेज। The trades from local progress in many ways, the trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifeline Underline. of our nation and its modern economy. It is thus evident that dense and efficient network of transport and communication is pre-equalized for local, national and global trade of today. ये बात समझ में आ रही है आपको? हम लोग यहाँ पे Yes, देखेंगे sir. कैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमारे जो है नेशन के लिए लाइफलाइन है, ठीक है? आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसको अगर डेवलप फर्दर और डेवलप करना है हमें, तो कैसे इन चीजों को और फर्दर एनहेंस करना है, ठीक है? अगर हमारा एक वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, एक वेल इवॉल्व और डेवलप फर्दर कहा जा सकता है कम्युनिकेशन होगा, तो हम ट्रेड को फैसिलिटेट करने में उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। चाहे आपने ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ा हो, चाहे आपने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा हो, कहीं भी आपने मतलब जो जो चैप्टर पढ़े हैं सब में तो आप यही पढ़ रहे थे। ट्रेड ही तो है फ्लो, जिसको कहते द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपने फ्लो पढ़ लिया। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, तो इंडस्ट्रीज अगर कहीं पे भी आती हैं तो उनको वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन चाहिए, इसीलिए तो SEZ वगैरह बनाया जाता है। तो जितना ज्यादा वेल कनेक्टेड रहेगा विद इन इंडिया, अगर देखा जाए इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतना जियोग्राफी में अगर देखो तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आप देखो किस तरीके से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है? तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगा। कहीं पे रोडवेज सक्सेसफुल है तो कहीं पे रेलवे सक्सेसफुल है तो कहीं पे एयरवेज सक्सेसफुल है। हर जगह अलग अलग जो है, हर जगह की अपनी अलग अलग खासियत है, और वहां पे उसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्डअप होगा। और अगर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा मेन एरिया से, ठीक है? तो हर एरिया को कनेक्टेड बनाए रखना एक ऑब्जेक्टिव है, ये तो विद इन इंडिया है, ठीक है? आउटसाइड इंडिया हमारा जो है कि वेल डेवलप नेटवर्क होना चाहिए जो है कि ट्रांसपोर्टेशन का फर्दर, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी करना है और एज वेल एज इम्पोर्ट भी करना है। इम्पोर्ट में बाद में कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे समझो। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? रोडवेज। अच्छा, अगर इसके बारे में पूछा जाए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? और इसे याद करके कोशिश करिए, अगर ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा जाए तो लैंड, वाटर, एयरवेज लिख के फर्दर आप क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, राइट? रोडवेज की बात की जाए, अब रोडवेज की अगर बात करो तो अराउंड 56 लाख किलोमीटर का हमारे पास क्या है, नेटवर्क कनेक्शन है रोडवेज का, ठीक है? बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? और बट देखा जाए तो एरिया भी हमारा उतना ही ज्यादा क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया साइज एंड लोकेशन याद है आपको? यस यस सर, ठीक है? यस सर। तो इतने बड़े एरिया को कनेक्ट करना तो मामूली बात है नहीं, और देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे जो है रोडवेज का अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है? अब रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवेज,
ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज, इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज, एक्सप्लेन। बस चलो अब एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन में क्या लिखोगे, अभी आगे लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, ठीक है। हाउ इट प्रेसिडेड रेलवे, आपने पढ़ा प्रेसिडेड, समझते हो प्रेसिडेड का मतलब यस सर, क्या होता है? से मतलब रेलवे से भी पहले से रोडवेज एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, और किसी का कुछ कहना है? अरे आप लोगों ने रीजनिंग वगैरह करते हो नहीं, प्रिसीडेड सक्सीडेड ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं कभी? तो पहले, ठीक है, रेलवे से पहले क्या है, रोडवेज है। पहले इंसान रोड पे चला होगा ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पहले तो रोड पे चलना ही सीखा होगा। अब वो बैलगाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी के थ्रू गया हो, या फिर वो पैदल ही चला गया हो, या फिर कोई कुछ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, बुलक कार्ट हो, मतलब कुछ भी, पहले तो रोडवेज ही रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई मिड ऑफ 19th सेंचुरी में। धीरे धीरे फिर क्या हो गया, आयरन एंड स्टील रिलेटेड जो है कि काम शुरू हो गया। फिर आ गया क्या आपका, रेलवेज, ठीक है। अब जब रेलवेज आ गया तो और फर्दर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, नहीं सॉरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, वो फर्दर और एनहेंस हो गया। मतलब जो स्पीड था डिलीवरी का, वो फर्दर और बढ़ गया, ठीक है। पहले स्लो होता था, थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, आगे क्या है इसमें, दैट दे हैव स्टिल एन एज ओवर द रेलवेज इन अ व्यू विथ इन अ व्यू ऑफ द ईज विच विथ विच दे कैन बिल्ड अ बिल्ड एंड मेंटेन। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए रोडवेज, ठीक है, रोडवेज और रेलवेज में, ठीक है, विच वन इज यू नो विच वन विल हैव एन एज और विच विल बी मोर इजी टू मेंटेन, ऐसे कहा जाए, बिल्ड एंड मेंटेन, तो अब क्या कहोगे? यू विल डेफिनेटली से दैट इट्स रोडवेज, रोडवेज रोडवेज ठीक है। रेलवेज में इट इज नॉट सो इजी टू बिल्ड अ रेलवे ट्रैक, राइट। रेलवे ट्रैक बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, बट रोडवेज बिल्ड करना उसके कंपेयर में आसान है, मेंटेन करना आसान है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यू नो मेकिंग क्या है, रोडवेज का कम होगा, रेलवेज का ज्यादा होगा, राइट। तो यस सर, अब रोडवेज में अगर आप देखो तो एक, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आ सकता है इससे, इसके बेसिस पे, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट विज अवेज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग। तो हाउ, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हाउ रोडवेज, हाउ ऐसे, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज अवेज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। इसको कैसे फ्रेम किया जा सकता है, इसको आप ऐसे फ्रेम कर, ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस यू नो यू कैन से दैट द रेलवे रोडवेज रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस देन रेल ट्रांसपोर्ट और विज अवेज रेल ट्रांसपोर्ट, और लिस्ट डाउन द रीजन थ्रू विच यू कैन से दैट रोड ट्रांसपोर्ट हैज इज ग्रोइंग, द रोड ट्रांस मीन्स देर इज अ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज अवेज रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आई थिंक क्लियर है, कैसे बन सकता है यस क्वेश्चन, सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, वन यस एन सर, एच भी लिख सकते हैं ओवर ठीक इज है। बस रोड। मतलब रीजन आपसे पूछा जा सकता है। अब रीजन आपसे अगर पूछ लेंगे तो हाउ मेनी रीजंस आर देयर, तो यू विल फाइंड देयर आर एफ, एफ इज स्टैंड फॉर सिक्स, सिक्स देयर आर सिक्स रीजंस थ्रू व्हिच यू कैन से दैट रोडवेज हैज मोर इंपॉर्टेंस, राइट, देन रेल ट्रांसपोर्ट और रेलवेज, ऐसे कह दो। समझ में आई बात? यस सर, यस सर, पहला, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, अभी यस जस्ट मैंने सर, बताया आपको। रोड कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, डाइसेक्टेड, ठीक है, ऐसे डाइसेक्टेड ऐसे समझते हो आप, ठीक है। तो यस ये सर, यस सर, डाइसेक्टेड टोपोग्राफी को भी क्या कर सकता है, पार कर सकता है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में भी आप इसको बना सकते हो, बट यू कैन नॉट ले डाउन अ रेलवे ट्रैक ओवर हियर,
क्या कर सकते हो ऐसे? नो सर, नो सर, नो यू कैन नॉट. रोडवेज कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप. स्लोप ग्रेडियंट समझते हो आप? डिग्री मतलब यस सर, स्लोप. अगर यस सर, स्लोप अगर देखा जाए, एक ये है ग्रेडियंट स्लोप का, ठीक है. अब ये है ग्रेडियंट स्लोप का, ठीक है. ये सब ग्रेडियंट समझते हो? फिजिक्स पढ़ा है आपने? यस ठीक सर, यस सर, यस है. सो ये हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप में ये क्या है, आप जो है कि रोडवेज को ले डाउन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और नियरली नॉट इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल टू, यू नो, इफ इट हैज अ हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, तब दिक्कत होगी, ठीक है, ज्यादा. तो आप रेलवेज को नहीं वहां पे बना सकते, रोडवेज बना सकते हो, ठीक है. जैसे कि हिमालय. तो आप कभी ऐसे जगह पे गए हो जहां पे रोडवेज ऐसे ऐसे घूम के? यस यस सर, सर. कभी कोई जो है कि विंध्याचल वगैरह गए हो आप लोग, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है, वैष्णो देवी गए हो? देखा नो सर, बट देखा है. है, ठीक है. तो कुछ जगह जहां पे ज्यादा ग्रेडियंट होता है तो वहां पे एक वायर लगाया जाता है, वायर टू वायर फिर मूवमेंट होता है. देखा है ऐसा कुछ? यस सर, यस सर, देखा. ठीक है. हालांकि यहाँ पे वो रोडवेज की बात हो रही है, ठीक है. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, 3 पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? यस सर, यस सर, यस यस यस, सर, ठीक है. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. यस, अगर आप देखो यहां से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगर आपको जाना है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर है, यू विल नॉट गो फॉर रेलवेज. आप रोडवेज निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे, रोडवेज पकड़ा और आप पहुंच गए, कम पैसे में ही पहुंच जाओगे तुरंत, ठीक है. कम पैसे में यहाँ पे आप पहुंच गए, ज्यादा दूर डिस्टेंस, ज्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, कुछ ही लोग हो तो जाके जो है आप पहुंच सकते हो आसानी से. रेलवेज को बाद में आप प्रिफर करोगे, छोटे मोटे गुड्स भी चाहो तो अपने साथ ले जा सकते हो. साथ ही साथ रोडवेज का एक बेनिफिट और भी है, ये तुम्हारा अगर घर है तो तुम्हारे घर के बगल से ही ये रोडवेज जा रही है, ठीक है. तुम्हारे घर के बगल से क्या है, रोडवेज जा रही है, रोड गई हुई है. रेलवे तुम्हारे घर के बगल से हमेशा नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो तुम उसको वहां पे रोक के, वहां पे गाड़ी पकड़ के जो है निकलोगे नहीं, ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी. बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस यस सर, सर, तो डोर टू डोर सर्विस क्यों अवेलेबल, किसके थ्रू अवेलेबल हो रहा है, रोडवेज की वजह से. आज के डेट में अगर रोडवेज, आप कुछ ऑर्डर करते हो तो तुरंत आपके घर आ जाता है गाड़ी, बाइक लेकर कोई यस सर, 10 मिनट. भी, ठीक है. एक्स वाई जेड आपने कुछ भी ऑर्डर किया, अमेजोन से कुछ सामान मंगा लिया, कुछ भी, एक्स वाई जेड किताबें मंगा ली, ठीक है, तो वो आपके घर आ गया. क्या रोडवेज, सॉरी, क्या रेलवेज ऐसा फैसिलिटेट कर पाएगा? नहीं, नो नो सर, सर, ठीक है. रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो मच यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन और एयर. ये बात भी सही है, राइट. यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी आ गई, ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ पहुंचना है, जहाँ पे सपोज ये मान लेते हैं मालगाड़ी में क्या है, कोयला है, ठीक है, कोल है, ठीक है. कोल को क्या करना होगा, अनलोड करना होगा, लोड करना होगा, सॉरी, पहले लोड होगा, यहाँ पे ट्रक होगा, लोड करेंगे. अब ये ट्रक क्या करेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, ठीक है. ये ट्रक मार्केट ले जा रहे हैं तो किसके थ्रू ले जा रहे हैं, रोडवेज के थ्रू, रोडवेज, ठीक रोडवेज, है. अब ये हो सकता है यहाँ से कोल निकाल हटा कर, ये कोल लेकर यहाँ से रोडवेज के थ्रू नेपाल जा रहे हो, नेपाल के पास तो कोई समुंदर है नहीं, ठीक है. और ये मान लो ये आपका रेलवे ना होकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी मान लो, बंगाल की खाड़ी मान लो, और यहाँ पे कोई जो है कि जहाज आई है और कोई गुड्स है, तो इसको कहाँ ले जाना है, नेपाल, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रक लगा दिया गया और नेपाल का सामान यहाँ से यहाँ पे लोड हुआ, और फिर ले जाके कहाँ पे, नेपाल ने अंदर गए, क्योंकि ओपन हमारा क्या है, बाउंड्री है, तो अंडर एंट्री करके नेपाल को दे दिए. तो ये कैसे फैसिलिटेट हो पाया, रोडवेज के थ्रू. समझ में आ रहा है, नेपाल को कहाँ से मिलेगा सामान इम्पोर्टेड, या तो चाइना दे या तो इंडिया दे, और चाइना और इंडिया के में कहाँ से आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज के थ्रू आएगा, ठीक रोडवेज, है. और इंडिया से ज्यादा जाता है, ठीक क्यों. अब वाटर के थ्रू, अब जानते हो आप लोग सबसे सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है, चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है, वाटर, वाटरवेज. चलो अभी और भी समझोगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, कैसे ये फीडर की तरह भी काम करता है रोडवेज. यस सर, यस यस सर, सर,
ये 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। कई बार देखा गया एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 3-4 साल का मैं बोर्ड में मैंने देखा है कि ये या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं या सब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना, 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया में रोड को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-44, याद रखिएगा। पहले NH-7 था, अब मर्ज हो के वो क्या हो गया है, NH-44, ठीक है। तो अब पहला NH, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जानते हो आप लोग ना, यस यस सर, यस, अ फोर साइडेड एनक्लोज्ड फिगर तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। सर। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल सर, पैरेललोग्राम इज अ गोला। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक चेन्नई दिखा आपको, यस यहाँ पे सर, कोलकाता, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, कहाँ है ये रहा। आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है आपको, यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस 4 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 भी हो सकता है, ये 4 पॉइंट हो सकता है ना। यस सर। सर आपने जो अब अभी लार्जेस्ट हाईवे बताया वो सर वो ये वाला ही है क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NH-44? NH-44 है, यस सर। नहीं तो क्वाड्रिलेटरल है, NH-44 इसका पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अच्छा इसमें कहीं ना कहीं वो ट्रांस कर जो है कि NH-44 अगर आप देखो तो मिक्सअप करके NH-44 एक्चुअली नॉट 24, NH-44 सॉरी। ठीक है। तो ओके इसमें सर, आई थिंक इसमें लिस्ट डाउन है या नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो NH-7 है, पहले कन्याकुमारी से आपका जो है, वाराणसी से कन्याकुमारी NH-7 था आपका, ठीक है, वो मिक्सअप हो गया NH-44 में। NH-44 सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल आप एक बार गूगल कर लोगे तो आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा, NH-44 का, राइट। यस सर। ठीक, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है बट चाहो तो कर सकते हो। आगे, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ठीक है, अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। मैंने आप लोगों को जब ये बताया था क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैंने बताया था कि आपको एग्जाम्पल देने होंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज को के कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो मैंने 4 मेट्रो सिटीज के बारे में सर, ये बताया, मेट्रो सिटीज याद करने का बोला था। है ना। देखो यहाँ पे ये चारों क्या है, लिंक्ड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से, एंड दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवे, 6 लेन का सुपर हाईवे। अच्छा आप लोगों को कभी समझ में आया ये 6 लेन कैसे होता है, यस सर, ये रोड है 80 मीटर का, ठीक है, मान लेते हैं 100 भी जा सकता है, कितना लेन है, सर 4 फोर फोर लेन्स, ठीक है। आपको हमेशा किस तरफ से चलना चाहिए, इस तरफ से, अगर बाइक से हो तो। गलती से भी यहाँ पे गए, लेफ्ट ये वाला साइड, क्या है, ओवरटेक वाला है, यमुना एक्सप्रेस वे गए हो तो यस सर, यस सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई गाड़ी जल्दी चलती है नहीं, जो बहुत तेज रहते हैं ओवरटेक करने हैं वही यहाँ से जाते हैं, ये बहुत खतरनाक जोन है, ठीक है, सबसे सेफ जोन ये। और देखोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले इधर रहेंगे, इधर 2 में तो कोई जल्दी जाएंगे ही नहीं, राइट। तो द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अच्छा ये भी पूछा जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट, देखते हैं आप। नॉर्थ साउथ आपका कहाँ से शुरू है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, यस सर, ठीक है। और ये क्या है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका है सिलचर, कहीं दिख रहा है आप लोगों को इसमें, सिलचर, सिलचर से ये आपका कहाँ पहुंच रहा है, यस पोरबंदर, दिख रहा है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अलावा और क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर।
ठीक है, ये भी हमने देख लिया। याद रखिएगा जो पॉइंट है वो पॉइंट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को याद रखिएगा। अब ये इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बिल्डअप करने का, कि टाइम और डिस्टेंस हम क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए मेगा सिटीज के बीच में। कौन मेंटेन करता है इसको? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एनटीएससी के, सीबीएसई में भी पूछा गया है। चलिए अब देखो, सीबीएसई में भी जो है वन वर्ड क्वेश्चन आते थे, पहले भी आते थे, अब थोड़ा टेक्निकल मतलब अब थोड़ा एनालिटिकल पूछ रहे हैं, बस चेंज थोड़ा सा मतलब यहाँ पे चेंज हुआ, और कोरोना की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल पैटर्न ही चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूरी तरीके से इंक्लूड किया उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग सेपरेटली अभी देन एंड देयर नोट करते चलो, ताकि बाद में आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाए और उसको करते रहो। बात समझ में आ रही है कैसे अपना टाइम बचाना है साथ ही साथ, यस सर। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको लिखने में। फिर उसके बाद अब हमने जब सुपर हाईवेज देख लिया, तो अब नेशनल हाईवेज में देखते हैं। ये तो सुपर हाईवेज से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, जो लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, और इनको मेंटेन करते हैं सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, नेशनल हाईवे को मेंटेन करते हैं सीपीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी नाम सुना है आपने, यस सर। तो ये सीपीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी किसके, कौन हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था जब पीडब्ल्यूडी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, यूपी में जो है एनटीएससी दे रहे हैं, बताओ, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डलहौसी के टाइम पीरियड में पीडब्ल्यूडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सारे हाईवेज हैं जो मूव कर रहे हैं। शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, कौन सा मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, इसको नेशनल हाईवे वन कहा जाता है, बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर है, ठीक है। आपने ये नाम सुना है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक यस सर, यस सर, है, यस सर, जीटी रोड कहते हैं इसको, किसने बनवाया था, शेरशाह ने, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह में युद्ध हुआ था, यस सर, टू यस वॉर्स, नेशनल हाईवे वन नंबर वन यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अमृतसर, कहाँ से, दिल्ली से अमृतसर। चलो एक काम, ये नेशनल हाईवे वन हुआ, एक है NH2, अब ये फाइंड करना आपकी NH2 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, NH1 NH2 दोनों को GT रोड कहा जाता है, तो ये फाइंड करो कि अब NH1 आपने दिल्ली से अमृतसर पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद NH2 कहां से कहां तक है, राइट। नेक्स्ट आगे देखो क्या है, स्टेट हाईवेज, हमने अभी पढ़ा नेशनल हाईवेज, अब स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में जब आओगे तो ये क्या करेंगे, स्टेट को के कैपिटल को लिंक करेंगे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, स्टेट के कैपिटल को किससे लिंक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, और इसको स्टेट हाईवे कहा जाएगा, ठीक है। इसको कौन मेंटेन करेगा, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको कौन मेंटेन करेगा, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट में और यूनियन टेरिटरी। इसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इसको कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। जिला परिषद आपने पढ़ा है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, अपने पंचायती में पढ़ा है जिला परिषद, राइट, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गए, उसके बाद और भी रोड हैं जो कि हम देखते हैं, रूरल रोड्स। अब ये रूरल रोड्स क्या होते हैं, गांव में, अब विलेज पालमपुर है तो उसको कहाँ जाना होगा, पालमपुर से आप कहाँ जाओगे, नियर बाई लार्ज विलेज कौन सा है, रायगंज, लार्ज विलेज है, और शाहपुर क्या है, स्मॉल टाउन, स्मॉल। यहां से यहां रॉ मटेरियल जाएगा ना, यस सर, यहां भी जाएगा, तो ये इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बिल्डअप होना चाहिए। अभी तो पालमपुर का हमने एग्जांपल लेके समझा था, वैसे भी देखा जाए तो गांव से जो रॉ मटेरियल है वो टाउन्स में और सिटीज में कैसे जाएगा, इट मस्ट मीन्स देयर मस्ट बी अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ यू नो ट्रांसपोर्टेशन और रोडवेज, ठीक है। तो रूरल एरियाज को विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड
क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो वो रोड जो कि विलेज को टाउन से जोड़ता हो, शहरों से जोड़ता हो, उसको हम कहते हैं रूरल रोड्स। उसको हम क्या बुलाएंगे? रूरल रोड्स, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके लिए चलाया गया था, ठीक है। रूरल रोड्स को बिल्डअप करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया गया था। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, जब आपने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि रोडवेज किस ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हेल्प करेगा फर्दर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाने के लिए। याद है? मैंने ही पढ़ा है कि आपने पहले ही पढ़ा है? सर पहले पढ़ा था। वैसे कहीं पढ़ा है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में? सर हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट तो पढ़ा है, लेकिन सर ये टॉपिक ये अभी याद नहीं आ रहा। किसको याद आ रहा है? सर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वर्क देना है सर, ये तो याद है सर लोगों को। अब याद करोगे ठीक से तब तो याद रहेगा। सर आपने नहीं पढ़ाया तो? यस सर। अब नहीं याद आ रहा तो याद करो। यस सर। ये रहा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब यहां पे पढ़ो क्या है ये। यस सर। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, बॉर्डर रोड्स, ठीक है। बॉर्डर रोड्स, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, याद रखिएगा, ठीक है। ये बॉर्डर रोड्स क्या करते हैं कि जो बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम होता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, ठीक है, और ये रोड बनाते हैं बॉर्डर एरियाज में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में, ठीक है। और रोड्स का डेवलपमेंट में हेल्प किया था इसने बॉर्डर में, ठीक है, पर्टिकुलरली जो नदन और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है वहां पे, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में आप देखो बॉर्डर एरिया में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, ठीक है। अभी भी आप देखो तो चाइना वाला जो है डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। हम रोड बनाने की बात कर रहे हैं, चाइना कहते हैं कि ये हमारे एरिया में रोड नहीं बना सकते, ठीक है। आप जानते हो डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है? यस सर। यस सर। ये BRO वाले हैं जो कि बनाते हैं ऐसे बॉर्डर एरिया में रोड्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी बॉर्डर यही जो है कि रोड्स यही बनाते हैं बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अब देखो यहाँ पे बॉर्डर एरिया में रोड का डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी एक्सेसिबिलिटी, मिलिट्री की एक्सेसिबिलिटी उन एरियाज में क्या होगी? अच्छी होगी। अच्छे से हम क्या कर पाएंगे? सर्विलेंस कर पाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी एनहांस होगी फर्दर, ठीक है। और ट्रेड का भी है, अगर आप देखो तो हम नथुला पास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फिर नेपाल से हमारा ये जो है कि अच्छा संबंध है। तो रोड डेवलप होगा नेपाल इंडिया के बीच में तभी तो ऐसा हो पाएगा, या उसके सराउंडिंग्स में तभी तो हो पाएगा ये सब, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस राइट। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये नया ऐड हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। ये BRO के द्वारा बनाया गया है, ये NCERT पुराने NCERT में दिया ही नहीं होगा। नो सर, ये अभी तो बना है सर, पिछले साल ही। हाँ तो ये नए NCERT में दिया है। अब कुछ नया चीज है तो एक्सपेक्ट करना कि आए बोर्ड में या फिर NTSC में, ठीक है।
तो ये बीआरओ ने बनाया है, अटल टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल वर्ल्ड का। ये क्या कनेक्ट करता है? मनाली से लाहौल स्पीति, ठीक है, वैली को, ठीक है। अर्लियर द वैली वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 मंथ ईच ईयर ओइंग टू हेवी स्नोफॉल। हेवी स्नोफॉल के जरिए एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इन सब एरिया में। अब इस टनल के बनने से विथ अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इन द प्री पांजल रेंज, पीर पांजल रेंज ऑफ हिमालय एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, इट इज पॉसिबल टू मूव फ्रॉम मनाली टू लाहौल स्पीति। ठीक है, अटल टनल समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अटल टनल हो गया। नेक्स्ट, रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। हाँ, हम जानते हैं, आपने याद है विदेश पालनपुर में मेटल अनमेटल रोड। मेटल अनमेटल, यस सर। ठीक है, तो मेटल वाला ज्यादा दिन तक चलेगा, अनमेटल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये भी जानते हो। यस सर। तो मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट, इवन बिटुमेन ऑफ कोल। ठीक है, कोल से बनता है, आप देख जान देखा है आपने कभी रोड बनते हुए? यस सर। यस सर। देयरफॉर क्या लिखा है? बिटुमेन ऑफ कोल देयरफॉर एंड नैरो। ये कहां से नैरो कहां से आ गया? कुछ यहां पे मिसप्रिंट है आई थिंक सर, ओल्ड में लिखा है देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। वेदर्ड, सही है। ऑल वेदर रोड याद आ रहा है, विलेज पालमपुर में पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, ऑल वेदर रोड है और नैरो रोड है, और ये रीसेंट ईयर में ऐसे नेटवर्क, इन रीसेंट ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वी आर अवेयर ऑफ दिस। अनमेटल रोड के बारे में जानते हैं, दे आर नॉट जो है दे आर नॉट ऑल वेदर रोड्स, राइट। जब बारिश होती है तो वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। आप अगर देखोगे टाउन्स वगैरह में जाओगे, टाउन टू विलेज एरिया, तो आप देखोगे अनमेटल रोड आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और जब ज्यादा बारिश होती है तो उस पर गाड़ी चलाना क्या होता है? मुश्किल होता है। कभी किसी ने चलाया है? कभी गए हो? कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? यस सर। ठीक है, तो वो अनमेटल रोड है। आई होप रोडवेज समझ में आ गया सभी को। यस सर। यस सर। सारे इसमें फैक्ट्स ही हैं, और ये फैक्ट्स जब तक याद नहीं करोगे तब तक समझ लोगे बहुत मुश्किल होने वाला है। लिखना है, मुझे जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने कॉपी में अभी लिख रहे होंगे, अभी कई सारे डेटा हैं इसमें, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट है आपका रेलवे। रीडिंग करना चाहोगे या मैं ऐसे पढ़ाते चलूं? सर ओल्ड एनसीईआरटी में एक रोड डेंसिटी का टॉपिक है सर, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, रोड डेंसिटी जो है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स बने हुए हैं। Yes. सर, और ये भी पूछना था सर, एनटीएससी में सर ओल्ड बुक का 9th का आएगा या न्यू वाली का? दोनों सर, दोनों आएंगे। हाँ, मतलब आप मान के चलो कि देखो जो ओल्ड वाला है उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि वहां पे भी बन सकता है, वो छोड़ना मत, एक दो छोटे मोटे टॉपिक हो तो उसको छोड़ना नहीं। यस सर, क्योंकि चेंज हुआ है ना थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, कंपटीशन के बच्चे रिस्क नहीं लेते हैं। यस सर। ठीक है, सीबीएसई में तो इससे बाहर आएगा ही नहीं, जो दिया है उन्होंने वही पूछेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अर्नव। यस सर। यस सर। ठीक है, रेलवेज। तो चलो मैं ऐसे ही पढ़ाते चल रहा हूँ, आई होप कि आप सभी लोगों को, सभी लोग जो है नोट कर रहे हो, इसको टाइम भी कम लगेगा और इंफॉर्मेशन आप ज्यादा दे पाओगे। हाँ, तो रीडिंग अभी रहने दे, आई थिंक, राइट? यस सर। सर खुद ही कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक। अब रेलवेज के बारे में देखते हैं। रोडवेज हमने पढ़ लिया, इट हैज एन एज ओवर रेलवेज, ठीक है, और हमने उसके बेनिफिट्स भी समझ लिए। अब रेलवेज के भी देख लें, रेलवेज का भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि रोडवेज का एज है रेलवेज पे या फिर प्रेसिडेंट है रेलवेज से तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है रेलवे का। रेलवे का भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, ठीक है, सामान को, ठीक है, और पैसेंजर्स को ले आने ले जाने में सबसे बड़ा, ठीक है, एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। टुडे इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली, सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, एक मेट्रो सिटी से दूसरे मेट्रो सिटी जा रहे हो एंड यू आर पुअर, तुम गरीब हो, कैसे जाओगे? If you want to go with, you know, अगर आप जानना चाहते हो with
रोडवेज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, योर बॉडी विल बी एग्जॉस्टेड, बहुत आपके बॉडी थक जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, बहुत दूर है, ठीक है, मतलब दूर है, टाइम लगेगा। अब अगर आपने रेलवेज में गरीब हो, ठीक है, रेलवेज आप देख रहे हो कि ट्रैक्स वगैरह है, जा सकते हो, अवेलेबिलिटी है, ट्रेन भी जाती है वहां पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर रेलवेज, रेलवेज से जाओगे। अब गरीब हो तो क्या गरीब जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा कंपार्टमेंट है? जनरल कंपार्टमेंट। सबसे कम पैसा किसमें लगता है? जनरल कंपार्टमेंट, वहां पे बैठ। लटकने वाली ना, अरे जनरल कंपार्टमेंट लटकने वाली, अब हमें फिर नहीं मालूम उसमें होगा बहुत लटकने सारे वाली, लोग जाते हैं ना सर, लटकना पड़ता है कहीं को। नहीं, उसमें लटकना नहीं पड़ता है। अब कोविड की वजह से सबके को एक एक सीट मिलती है, कोई लटकता नहीं है, पहले का इंडिया ओके नहीं रहा है। सर, वो मुंबई वाला याद आ गया। हाँ मुंबई वाला नहीं है, यहाँ पे लोकल नहीं चल रहा है, रेलवे की बात कर रहा हूँ अभी, ओके सर, ठीक है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगा जिसके थ्रू वो दिल्ली से मुंबई चला जाए कम पैसे में, रोडवेज से नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। अगर आपको कोई गुड्स भेजना है तो भी आप रोड्स का जो है कि रेलवे के थ्रू भेज सकते हो। आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो हम जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई, ठीक है, अपने बाइक को भी लेके जाएंगे, तो दिल्ली से मुंबई बाइक से तो जा नहीं सकते, बाइक को क्या कराओगे, बुक कराओगे, ठीक है, रेलवे ऑफिस में जाके बुक कराओगे, वहां पे आपने जमा कर दिया बाइक, और बाइक ले जाके वो मुंबई उतार देंगे, आप वहां पे गए, फिर से आप वहां के रेलवे डिपार्टमेंट से बात किए, बाइक अपना ले लिए, पेट्रोल लेके नहीं जा सकते, याद रखना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, बाइक भी चला गया, बात समझ में आई आप यस लोगों सर, को? यस सर। ये तो मैंने आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, वैसे बहुत सारे गुड्स हैं जो कि आप रेलवे, जो बहुत सारे गुड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रेलवे की हेल्प से जाते हैं, ठीक है। तो रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। घूमने फिरने के लिए भी आपके पास जो है कि आप रेलवेज हैं, ठीक है, स्पेशल जो है डेडिकेटेड ट्रेन्स हैं जो घूमने के लिए बनी हुई हैं, कुछ मूवीज में दिखाते भी हैं, साइट सीइंग के लिए रेल जो है आपका ट्रेन यस बना हुआ सर, है। क्रेन्स भी होती हैं सर, ट्रेन्स और बसेस सर इन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। इन्हीं के लिए, बस घूमने के लिए, टूरिज्म के पर्पस से लिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद, अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द इंडियन रेलवेज हैव बीन ग्रेट हैव अ ग्रेट इंटीग्रेशन फोर्स एंड ओवर मोर देन 150 ईयर्स। ओके ठीक है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यस, रोडवेज से तो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर लेंगे, बट लॉन्गर डिस्टेंस, और लॉन्गर डिस्टेंस वी नीड रेलवेज, यस एंड वी सर, नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट, एग्रीकल्चर विल बी एक्सेलरेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली रेलवेज, राइट। यस सर, यस सर, और ट्रांसपोर्टेशन से पहले मुझे सर्विस बोल देना चाहिए था, प्राइमरी सेकेंडरी डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सर्विस, राइट राइट, और टर्शरी, और टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज और लॉन्गर यस सर। डिस्टेंस। सर ऐसा प्लेन्स में थोड़ी होता है सर, पुअर उससे जा सकते सर, उसके लिए तो टिकट लगती ही लगती है। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, किसी को यस सर, डाउट? यस सर। सर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ सर, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सर डेटा थोड़ा कम आ रहा है सर, इससे हम हाँ क्या कुछ पता कर सकते हैं क्या? जैसे डेटा ओल्ड कम आ रहा एनसीईआरटी है में तो बहुत अब, सारे डेटा है सर, नंबर हाँ दे रखे पुराने हैं। एनसीईआरटी में डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें लोकोमोटिव्स वगैरह के बारे में भी यस बताया सर, गया होगा, है ना, यस सर, हाँ, इतने सारे यस लोकोमोटिव्स सर, हैं, तो उसको अंडरलाइन करके याद कर लेना, ठीक है, वैगन्स के बारे में, लोकोमोटिव्स के बारे में सब डिस्कस किया है उसमें, तो ओके ठीक सर, है, अपने कंपटीशन के लिए तैयार कर लो, ठीक है, कुछ ना आए तो पूछ लो, ठीक है, मैंने बता यस ही सर, दिया आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे रेलवे सबसे पहले इंडिया में कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में मुंबई में, मुंबई से मुंबई। ठाणे गया था 1853, ठीक है, डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। कौन गवर्नर जनरल था इस समय? लॉर्ड डलहौसी। कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड लॉर्ड डलहौसी, डलहौजी, ठीक है, यही थे, और जो ड्राइवर थे उनका नाम भोलू था, तीन इंजन लगी थी, साहेब, सिंधु, सर क्या जुलाम, नाम था? सॉरी, साहिब, सिंधु, सुल्तान, ये तीन इंजन थे,
ठीक है, 1853 में मुंबई से थाने गई थी, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, ये एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इज दैट क्लियर? यस यस सर, यस यस सर। सर। हाँ, देयर आर 16 जोन्स लिखे हुए, हालांकि आई थिंक देयर आर 17 जोन्स, बट आप ठीक है, अब एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा इंडियंस के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे आप, कि इंडियंस कैसे हैं, कैसे वो रेलवेज को लेकर चलते हैं, आप लोग जानते भी हो, पढ़ भी लो। होता क्या है कि रेलवे के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। आप रेलवे के ट्रैक्स को हर जगह नहीं बिछा सकते, आप जानते हो कुछ कंस्ट्रेंट है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्या है, अलग अलग जगहों का अलग अलग है, ठीक है। तो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू, जिसके वजह से रेलवे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अब जहां पे प्लेन एरिया है वहां पे तो रेलवेज जो है कि अच्छे तरीके से आप ले डाउन करके आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एग्रीकल्चरली रिसोर्स, एग्रीकल्चरली डेवलप्ड है नदन प्लेन, ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्लरिश करेगा। बट ऐसे जगह जहां पे फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, मुंबई में अगर आप देखो तो बारिश अगर ज्यादा होती है तो वहां के ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। देखा है आपने कभी, कुछ दिखता ही नहीं है, यस लोकल सर, कहाँ चलेगी, अब देखा है लोकल खड़ी हो जाती हैं, पूरा ट्रैक फिल हो जाता है वाटर से। यस सर, यस सर। शायद विदेश में स्नो पे हो जाता है, जब स्नो गिरती है तो वो उन्हें रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना पड़ता है, तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं, ठीक है। फिर यस उसके बाद आप, उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं रेलवे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रिवर है, रिवर आप जानते हैं, नदन प्लेन्स में भी आप देखोगे तो रिवर्स को आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, अरे जो है ब्रिजेस बनाने होंगे, ब्रिजेस मतलब जो है फिर उसका मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। एक तरह का ये ऑब्स्टेकल है रेलवे ट्रैक्स को बिल्डअप करने के लिए, ट्रेन आप रोडवेज के लिए भी होगा, बट रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में और रोडवेज के कंस्ट्रक्शन में क्या है, कॉस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। यस सर, और फिर उसके बाद आ जाओ, अगर पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप पहुंच गए, ठीक है, तो आपको रेलवे ट्रैक्स बिछाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, या पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो ग्रेनाइट, वो आपका इग्नियस रॉक से बना है। इग्नियस रॉक पोरस रॉक नहीं होता, हिल्स होते हैं वहां पे, टनल्स बनाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, ठीक है, जानते हो ना। यस सर। यस सर। सर रोड्स तो सर स्पेशली, क्योंकि अब पहाड़ों पे बढ़ने के लिए तो सर बहुत ऐसे घूमने वाले होते हैं सर, जिनमें जगह भी कम होती है। फिर इसके बाद हिमालयन माउंटेन्स रीजन है, वो भी अनफेवरेबल है रेलवे बिछाने के लिए। और ऐसे जगह पे हम रेलवे क्यों बिछाए जहां पे लोग कम रह रहे हैं, पता लगा यहाँ से जो है कि लद्दाख से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख के लिए आप रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी बढ़ा रहे हो, क्या फायदा, जब ओवरऑल एक ही रेल ट्रैक अगर बिछा दो और उसमें एक दिन भर में 2-3 ट्रेन अगर दौड़ा दो, हो गया काम, पॉपुलेशन भी तो कम रह रही है। और नदन प्लेन्स में पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, टू एंड फ्रो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो रेलवे ट्रैक्स भी ज्यादा चाहिए होंगी, नंबर ऑफ ट्रेन्स भी ज्यादा चाहिए होंगी, यहाँ पे तो कम है, ठीक है। एक ही अगर ट्रेन अगर चलेगी, दिन भर में 2-3 चल गई तो बस, हो गया काम, बात समझ पा रहे हो। तो उसके जो ओवरऑल रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवेज है, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन में कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, और फिर जाके ट्रैक्स बिछाई जाती है। हर जगह आप ट्रैक्स नहीं बिछा सकते, कई सारे यस चैलेंजेस हैं इसके साथ, ठीक है। कहीं पे जो है कि लो लाइंग एरिया है, ठीक है, कहीं पे फ्लड प्लेन्स है, कहीं पे जो है कि पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, हिल्स वगैरह पे बनाना पड़ रहा है, टनल्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं उसके लिए, माउंटेनस रीजन जो है कि अनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई है। यस सर, इसके अलावा सैंडी डेंजरस प्लेस ऑफ एरिया में वेस्टर्न भी होगा। राजस्थान, स्वैम्प ऑफ गुजरात, इन सब जगहों पे रेलवे ट्रैक बनाना क्या है, मुश्किल है।
ठीक है, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी आप पेड़ काट के आप कितना जो है कि कैसे ट्रैक्स बिछाओगे। अच्छा पेड़ काट के आपने बनाया भी ट्रैक्स, तो सोचो जंगल एरिया में, ठीक है, ट्रैक्स आपने बना दिया, ट्रेन यहाँ से जा रही है, बीच में कौन उतर के आ गए? नक्सल्स आ एनिमल्स गए, माओवादी आ गए, ऐसा हो भी। ठीक है, आके रोक लिए पूरा ट्रेन, पूरा ट्रेन ही प्लंडर कर दिए, समझ में आ रही सर बात? यस सर, सर यस वैसी जगह पे भी नहीं बना सकते ना सर, जहां पे डिजास्टर्स होते रहते सर, जैसे हिली हाँ, रीजन, डिजास्टर जहां पे होते रहते हैं वहां पे भी बनाना मुश्किल है। सर जैसे वो हिल क्लाइंबिंग रीजन होता है सर, वहां पे तो जाना ही खतरनाक होता है कि कब लैंडस्लाइड हो जाए। बिल्कुल, द कॉन्टिगुअस स्टेज ऑफ शाहद्री, शाहद्री किसको बोलना है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, घाट्स, ठीक है, इसको ओनली थ्रू पासेज और गैप्स के थ्रू ही आप पास कर जो है कि मूव करवाओगे। याद है आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल फीचर्स थाल ऑफ इन भोर एम? और पाल वेरी घाट, गुड, थाल भोर एंड पाल घाट्स। पाल घाट। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। ओके, कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है। इट हैज ऑल्सो फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स, जानते हैं हम, सम स्ट्रेचेज, लैंडस्लाइड्स, राइट। तो कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है इस रीजन में, थोड़ा वो जो है कि फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, इन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ठीक है, बट उसके साथ भी चैलेंजेस है, बारिश वगैरह का है। वेस्टर्न घाट्स आप जान रहे हो, कोंकण का आपको याद है, प्लेन्स का, मुंबई टू गोवा, कोंकण कन्नड़ एंड मालाबार, 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 ठीक है, तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, ट्रेल ट्रैक सिंक होंगे, स्ट्रेचेस, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें देखी जाते हैं वहां पे। फिर अब इसके साथ और क्या प्रॉब्लम है, और क्या चीजें हमें इससे पढ़नी है? रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी, ऑल अदर मीन्स, ओके, हाँ, ये अब मैंने इंडियन के बारे में वहां पे बोलना तो शुरू किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पे बहुत होशियार लोग भी हैं, वो बिना टिकट दिए जाना पसंद करेंगे, ठीक है, बिना टिकट दिए ट्रैवल करेंगे, फिर उनका जहां घर आ जाएगा वहां क्या करेंगे, चेन पुलिंग करेंगे, अब उतर जाएंगे वहीं पे, अपने 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 घर पे उतरेंगे। कुछ जगह इंडिया में ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे लोग क्या करते हैं, अपने जब घर पहुंच जाते हैं तो चेन पुलिंग कर देते हैं, फिर थोड़े ही दूर पे 510, 500, 600 मीटर किसी दूसरे का घर आ गया तो उसने चेन पुलिंग कर दी, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या करेंगे? कोई एक, मैंने देखा भी एक्चुअली, एक नई ट्रेन अभी चली है, ठीक है, चली थी कुछ दिन पहले, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो वहां पे मैंने देखा कि नए ट्रेन में लोग गए, सब वहां पे क्या करने लगे, स्पिट करने लगे आसपास, एलईडी निकाल के चले गए, ठीक है, ये ऐसा करते हैं काम, ये सारी चीजें भी क्या है, ऑब्स्टिकल है, देखो ये लिखा हुआ सर है, थेफ्ट लिखा हुआ है तो क्लियर लिखा है, डैमेज कर देते हैं, सर फेल होता अपना है। नहीं समझते ना चीज को सर, इसलिए ही प्रॉब्लम है बस देखो, पुल द चेन अननेसेसरीली, तब सर। रेलवे से भी ट्रेन क्या है, स्टॉप डैमेज, तो थिंक ओवर इट, कैसे सही होगा? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रोल सर, रोडवेज एंड रेलवेज, यस सर, यस यस यस, सर, एनी डाउट एनीवन हैज? नो सर, नो सर, पाइपलाइंस। अब नेक्स्ट क्या है? पाइपलाइन, अब ये फ्रॉम वन दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है, अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट करना है तो एक सबसे आसान और अच्छा तरीका है पाइपलाइंस। पाइपलाइन के थ्रू क्या करो, चीजों को भेज दो। जैसे आपके यहाँ पे वाटर टैप में पानी आता है, आता है, यस सर, यस सर, तो वाटर जहां पे वाटर, पानी टंकी है, ठीक है, वाटर टैंक है जहां पे, वहीं से रिलीज होता होगा और ये थ्रू पाइपलाइन से क्या है, अलग अलग जगह जाते होंगे, राइट, ऐसे ही यस, होगा तो। और यही पाइपलाइन, अब ये जब अलग अलग जगह जा रहे हैं तो आप सोचो, रोडवेज के अंदर से, रोडवेज भी ऊपर से है, नीचे से पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है, अंदर अंदर से ये पाइपलाइन बिछी हुई है और अब जो है कि सर्कुलेट हो रहा है वाटर का बड़े आसानी से थ्रू आउट दिल्ली और गाजियाबाद, वेर एवर यू आर लिविंग, बड़े आसानी से हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि एक बार इस पाइप को जो है कि ले डाउन करने में, इस पाइप को बिछाने में पैसा लगता है,
ठीक है, यस सर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका ज्यादा है। फिर एक बार अगर ले डाउन हो गया तो बस इसको क्या करना है, मेंटेन करके चलते हुए रहना है, यस। बजट मेंटेन करते रहना और है। अगर उसमें छेद हो गया सर, फिर गन हाँ, मेंटेन व्यापार होते ही लिए रिकॉर्ड। कहीं कहीं जो है कि आपको पॉइंट्स बनाने होंगे ताकि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो रेक्टिफाई किया जा सके तुरंत के तुरंत। तो सर वो जो सरपंच से बनाते हैं, ये तो वाटर वे वाटर का क्या है, सप्लाई है। अब सोचो यहाँ यस पे अगर ऑयल का सप्लाई हो तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी, स्ट्रिक्टनेस क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। गैस का सप्लाई यस हो सर, बढ़ तो स्ट्रिक्टनेस क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। जाएगी। बट ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट तो है इसमें, इनिशियल लेइंग डाउन में कॉस्ट तो है, बट एक बार ले डाउन हो गया तो बहुत इफेक्टिवली इफिशियंटली आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को भेज सकते यस सर, एक हो, तरह से लॉन्ग ट्रैक इन्वेस्टमेंट। मॉल्टेन स्टेट में भेज सकते हो, स्लरी स्टेट में भेज सकते हो, गैसियस फॉर्म में भेज सकते हो। यस सर, एक्सपेंसिव लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? यस यस सर, सर, यस यस सर, सर। ठीक है। चलो अब ये रीड करो फिर आगे बताते हैं। कौन नेक्स्ट था, मानस? ओके सर। पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस अंडरलाइन फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ स्लरी। अंडरलाइन द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ द रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट द सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। अंडरलाइन देर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, उत्तर प्रदेश, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड अलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू टू सिलीगुड़ी। फ्रॉम सल्या इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया वीरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली नियर वडोदरा गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। थर्ड, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहानपुर, शाहजहानपुर, यस, यस सर, कोटा इन राजस्थान, शाहजहानपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन यूपी और उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपको याद आ रहा है थर्ड वाला, आपने तो पढ़ा भी है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन क्रॉस करंटली प्राइमरी यस सत्रह सर, सौ किलोमीटर का। यस सर, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक यस सर, है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है जो तो कि देखकर ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो कौन सा है आपका, दिख रहा है आप लोगों यस सर, यस सर, को? ठीक है, ओके, फिर चला गया। ये ज्यादा क्लियर बनाया हुआ है इसने, यहाँ पे एक्सेल अप लिखा हुआ है वो हटा लेना आपने। यस सर, ठीक है, ये देखो, ये पाइपलाइन है,
ठीक है, यहाँ तक कि पॉइंट्स पॉइंट्स पे भी लिखा हुआ है काफी। के भी पे भी लिखा हुआ है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, बबराला, कोटा, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसका आप क्लिक ले लो, ठीक है, सलावा। फिर उसके बाद क्या है, मथुरा, जयपुर, जालंधर, ये वाला यस पॉइंट है, ठीक है। फिर दिग्बोई, नूनमाती, बरौनी, कानपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 ब्रांच हैं पाइपलाइन के, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, याद, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है इसको क्या करना है, याद। याद, इनके सारे पॉइंट्स पे ना पूछेंगे ना। हाँ, पूछ सकते हैं। ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर वाला तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि दो दो जगह आपने एक ही चीज पढ़ ली, यस सर, यस सर, तो इसको याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। अब इसमें और भी कोई मैप, एक और भी मैप था एक्चुअली, बट वो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे ज्यादा। अगर क्लैरिटी के लिए जाओगे तो ये मैप देख सकते हो, राइट। तो गूगल आप करोगे तो आपको कई सारे मैप दिखेंगे, ठीक है, और आप उसको और अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। दिख रहा है आप सभी को? राइट, यस सर, दिख रहा है। यस सर, तो आप इस तरीके से इसको देख के बना के याद कर सकते हो। एक कोई काम करना, आप एक जो है कि पॉलिटिकल मैप ले लेना, ठीक है, और ये जहां जहां जो जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारे पिक करके मैप में प्लॉट कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई सारे नाम यस हैं। सर, बात समझ में आ रही? कई सारे नाम हैं, याद करना जरूरी भी है, ठीक और सर है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी और प्लॉट करोगे तो याद होगा। यस सर, बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो सर ये काम एनटीएससी करना। में ऐसे क्वेश्चन आते सर, मैप दे देते हैं और ऐसे बिल्कुल बना। बिल्कुल ओके सर, सर फिर तो ये मैप याद करने जरूरी है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज मैंने पहले ही बता दिया, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और इसमें जो है लैंड वाटर, जो है कि हमारा जो लैंड रूट है वो वाटर रूट से जो है पुराना है, बट आज के डेट में देखा जाए तो जो ज्यादातर ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है, ठीक है, चीपेस्ट वे कौन सा है? वाटरवेज। और आप जानते हो कि जो बड़े एमएनसीज हैं, ठीक है, वो चीपेस्ट वे ऑफ मोड ऑफ क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। इवन जो ट्रेड भी फैसिलिटेट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लग रहा है, उस खर्चे में भी चाहेंगे कि वो कम से कम में हो। आप भी यही सोचोगे कभी कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए, आप सोचोगे एक जगह से दूसरी जगह जानी है, हमें अगर जाना है तो कम से कम पैसे में जाए, यस सर, ठीक है, वैसे ट्रेड के लिए रिलेटेड है। अब जैसे मैंने आप लोगों को इंडिया साइज लोकेशन शायद बताया हो मैंने ही, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड जब हमने पढ़ा तो वहां पे देखा, तो मैंने इस साथ डिस्कस किया हो आपसे कि कैसे वेस्ट एशिया से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से क्या होता है, ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड होता है, ठीक है, वहां से अगर इंपोर्ट होके, मतलब वहां से चीजें अगर इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए जा रही हैं, तो डिस्कशन उसमें जो है मैंने बताया होगा कि क्योंकि शिप है, बड़ा है, जगह अगर होता है तो अदर कंट्री से अगर वेल कनेक्शन है, तो उसी दौरान वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री जिनसे जिनसे उनका खरीदना और बेचना है, ठीक है, उनसे पहले बात हो जाती है और फिर क्या करते हैं, ट्रेड उसी तरीके से कैरी ऑन होता है। समझ में आ रही है बात? अब अपने घर यस सर, से आप निकलते हो 10 किलोमीटर किसी दूर दूसरे जगह किसी और दोस्त से मिलने, मान लेते हैं किसी रिलेटिव से मिलने, ठीक है, बीच में अगर 2-3 रिलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हो और जिनसे आपका काम भी है, तो आप क्योंकि उसी रास्ते से जा रहे हो तो उन रिलेटिव से भी मिलते जाओगे, यस सर, ठीक है, या तो फिर उन रिलेटिव को अगर आपको जानते हैं वो, तो उनसे कह दोगे देखिए भाई हम वहां तक तो जा रहे हैं, आपको कुछ बेचना है तो आप बता दीजिएगा, वहां हम जा ही रहे हैं, आप हमें जो है कि जो भी इसका मतलब, हालांकि रिलेटिव से आप तो नहीं कहोगे, बट ओवरऑल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को ऐसे जानते हो कि भाई हम तो जा ही रहे हैं, बाकी आप अपना जो है कि थोड़े बहुत खर्च होंगे आपके, आपका पहुंच जाएगा सामान वहां पे। अब शिप जा ही रही है, बड़ी सी जगह है ही, तो ट्रेड हो जाएगा, मतलब कम से कम पैसे में क्या होता है, कहने का मतलब यही है कि ट्रेड फैसिलिटेट होता है, ठीक है। वाटरवेज एक सबसे बढ़िया मीडियम है क्या करने का, ट्रेड फैसिलिटेट करने का, ठीक है, और सभी लोग कोशिश करते हैं कि किससे, किसके थ्रू उनका ट्रेड हो, ठीक है, किस मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उनका ट्रेड हो, तो क्या है आपका वाटरवेज है। अब वाटरवेज में जब पढ़ोगे तो दो तरीके के पढ़ोगे, इनलैंड वाटरवेज और
ओवरसीज तो इनलैंड विद इन कंट्री, ठीक है, ओवरसीज मतलब आउटसाइड कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, क्लियर यस हुआ ये? सर, यस सर, ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है, तो ठीक है, अब इसको रीड करो, कौन रीड करेगा नेक्स्ट? अर्नव पढ़ो। यस सर। वाटरवेज। सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया वॉज वन ऑफ दी सी फारिंग कंट्रीज। इट्स सी मैन सेल्ड फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। वाटरवेज आर दी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कई बार ये बोर्ड में आया है पेपर में। ओके सर। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। इट इज अ फ्यूल एफिशियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। आउट ऑफ दीज ओनली फाइव अंडरलाइन करो, थाउजेंड यस सर 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज दी नेशनल वाटरवेज बाय दी गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एनटीएससी के लिए फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, रीड करो। यस सर। द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया 1,620 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर वन। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर एनडब्ल्यू नंबर टू। द वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला। एनडब्ल्यू मतलब नेशनल वाटरवे, यस सर। द वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला। कोटापुरमा कोलम उद्योगमंडल एंड चंपाकारा कनाल्स उद्योग 205 मंडल किलोमीटर एंड चंपकारा कैनाल्स 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे थ्री, नंबर थ्री, राइट। यस अब ये अब देखो किलोमीटर्स में डिफरेंस है, बट ये वन थ्री, वन टू थ्री कैसे, किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, ठीक है, ये पहले ये बना था, फिर ये बना, फिर ये बना, ठीक है, ईयर वाइज जैसे जैसे बनता गया नाम पड़ता गया, किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं, इज दैट क्लियर? यस सर यस यस सर आगे यस सर। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स 1,078 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर फोर। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर फाइव। रुक जाओ, तो यस हम लोगों ने अलग अलग वाटरवेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब देख लेते हैं ये वाटरवेज है क्या, इतने ज्यादा फॉन्ट कैसे हो गए, ठीक है, ये बढ़िया है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर यस सर यस सर ठीक है, विजिबल है, तो देखो कैसे नेशनल वाटरवे आपका जो है कि यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। इलाहाबाद से आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो, रुको यहाँ पे का पेन चलना चाहिए, ये देखो दिख रहा है आपको इलाहाबाद वाला रीजन, यस सर ठीक है, यस सर फिर ये ज्यादा, ये मुझे लगता है विजिबिलिटी इसकी कम है, ऐसा है क्या? ऐसा विजिबिलिटी कम है। एक मिनट रुको मैं दूसरा देखता हूँ, इमेज सही नहीं आ रहा है, रुक जाओ देखते हैं और भी। ऐसे ये दिख रहा है आपको? सर इसकी भी विजिबिलिटी कम है। अब मुझे लगता है ये सर बेहतर बेटर है, सर है, बेटर है, ठीक सर पढ़ा जा रहा है। है, तो ये इलाहाबाद से आपका ये हल्दिया पहुंच रहा है, देख रहे हो नेशनल वाटरवे वन, यस सर ये सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवे टू, ठीक है, फिर थ्री वाला यहाँ पे है,
कोट्टापुरम कोल्लम ठीक है, चंपकारा कैनाल नेशनल वाटरवे 3 ठीक है, गोदावरी कृष्णा कैनाल काकीनाडा पुडुचेरी, देखो ये नेशनल वाटरवे क्या है आपका 4 है ठीक है, फिर यहाँ पे ये 5 है, आपको 5 तक पढ़ना है, 5 तक आप देख लो, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बामानी रिवर्स है ठीक है, तालचर है, धामका है, राइट, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? यस सर। यस अब फिर से काम है आपका, क्या काम है, एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लो, पॉलिटिकल नहीं फिजिकल लो इस बार ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बाउंड्रीज भी क्लियर होती चलेंगी ठीक है। और क्या करो, इस वाटरवेज को बनाओ। अब बनाने से क्या फायदा, एक तो बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में एनटीएससी में, क्योंकि मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाए और पूछा जाए, तो आप उस समय रिकग्नाइज कर पाओ कि ये कौन सा नेशनल वाटरवे है, याद करने में भी हेल्प होगा, बनाने में भी हेल्प होगा ठीक है, तो ये काम जरूर कर लेना। अब जो इससे पहले बैचेस हुआ करते थे, तो वहां पे ये काम किया जाता था, बच्चों को ये काम दिया जाता था, बच्चे करके आते थे, तो इससे जो है कि उनको याद करने में क्या होती थी, इस चैप्टर को आसानी होती थी, क्योंकि बहुत सारे डेटा है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो पाइपलाइन और NW नेशनल वाटरवे को याद करने का ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। अब मुझे लगता है कि जो लोग बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, वो जरूर इस तरीके को अपना के इसको याद जरूर करेंगे, एटलीस्ट जितना एनसीईआरटी दिया है उतना तो करना ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेशनल वाटरवे हो गया आपका, आपने क्लिक ले लिया है सभी ने? यस सर। ले यस सर। नेक्स्ट है आपका, हाँ कंटिन्यू करो इसको। यस सर। देर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटैंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। दीज आर मांडवी, जुआरी, अंडरलाइन करो। जुआ, यस सर, सुंदरबंस, बराक, बैकवाटर्स ऑफ केरला एंड टाइडल स्ट्रेचेज ऑफ सम अदर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड आउट फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव बाय सी। अंडरलाइन करो। यस सर। तो 95% जो कंट्री की ट्रेड वैल्यू वॉल्यूम है वो किससे मूव होता है? सी से। मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर किससे कोशिश करेंगे हम, चीपेस्ट वे से, सर चीपेस्ट वे से करेंगे ठीक है। और चीपेस्ट वे कौन सा है? सी बाय सी, वाटर। बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब इसमें पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग पोर्ट्स ठीक है। अभी अलग अलग पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा यस सर। है? यस सर। यस सर। ये पोर्ट नीचे है जो लिखा है इन्फॉर्मेशन शायद वो ना दिखे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पोर्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 12 यस ये सर। वो तो आपके दिख रहा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर के पोर्ट के बारे में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार का क्या है, कैपिटल है ठीक है। यस सर। है। यस तो सर। कांधला पोर्ट, पाकिस्तान जब अलग हुआ है भारत से तो ये पोर्ट बनाया गया, कांधला पोर्ट ठीक है। कराची पोर्ट था हमारे पास इस साइड में, कराची पोर्ट चला, कराची चला गया किसमें, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान। फिर हमें कांधला पोर्ट बनाना पड़ा। मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ा स्पेसियस पोर्ट भारत का कौन सा है, मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा जो है ट्रेड एक्टिविटी होने लगी, तो इसके कंजेशन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। कौन सा पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखें तो मरमागांव पोर्ट, ये पोर्ट जो है हमें हेल्प करता है रत्नागिरी और जो है रिलेटेड, याद है आपको रत्नागिरी और कौन सा था, गोवा, रत्नागिरी
आयरन ओर का जो बेल्ट सर, होता है, यस सर सर, लो ग्रेड आयरन ओर। लो ग्रेड आयरन, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है मरमागांव पोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखोगे न्यू मैंगलोर पोर्ट, कुद्रेमुख माइंस, 100% एक्सपोर्ट यूनिट होता है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट एशिया से और जो है वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने में हमें हेल्प मिलता है इस पोर्ट से, यहाँ से मुंबई पोर्ट, हालांकि जो वेस्टर्न साइड है वो सारी लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद कोची पोर्ट है, राइट। कोची पोर्ट से हम श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब पोर्ट से ट्रेड कर पाते हैं, ठीक। टूटीकोरिन पोर्ट है यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, स्टेट भी याद, स्टेट तो आई थिंक सभी को क्लियर है, यस सर, ये आप मैप देख के बता यस सकते हो ये कौन से स्टेट में, ये कौन से स्टेट में। यस सर, हाँ, तो ये याद करते रहिएगा साथ ही साथ में कि कौन से स्टेट में कौन सा है, ठीक है। टूटीकोरिन पोर्ट ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, और इससे अगेन आपका साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और श्रीलंका, इन सब लोग जो है कंट्री से ट्रेड करने में हेल्प मिलता है। चेन्नई पोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। चेन्नई पोर्ट है। फिर चेन्नई पोर्ट के बाद यहाँ पे एन्नोर पोर्ट बताया गया है, बट आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हम देखें विशाखा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है, ठीक है। कौन सा पोर्ट है? लैंड लॉक्ड पोर्ट है, लैंडलॉक। ठीक है। मतलब लैंड लॉक का मतलब कि ये अंदर जाके, मतलब ऑन द, ये सब क्या है पोर्ट, तो बाहर जो है कि इनके बने हुए है ना एरिया, ये लैंड लॉक पोर्ट का मतलब ये थोड़ा अंदर जाके है, जमीनों से घिरा हुआ है, ऐसा लैंड लॉक। लैंड लॉक वर्ड का मतलब समझते हो, जैसे कि ये लैंड लॉक स्टेट है, इसके आसपास कोई नदी या समुंदर नहीं है, ठीक है, यस समुंदर सर, नहीं है, समुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या है, लैंड लॉक, ठीक है। इसी तरीके से यस लैंड लॉक पोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद पारादीप पोर्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, विशाखापट्टनम से आपको कुछ याद आ रहा है, आपने कुछ पढ़ा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, दुर्ग यस सर, चंद्रपुर बेल्ट में पढ़ा होगा, साउथ कोरिया, जापान से हम क्या कर के लिए यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आयरन एक्सपोर्ट को, करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पारादीप पोर्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। फिर एक है आपका पोर्ट है कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट, कोलकाता एंड हल्दिया दोनों आएगा, तो कोलकाता हल्दिया और कोलकाता पोर्ट, पर्टिकुलरली जो कोलकाता पोर्ट है वो क्या है, ये आपका रिवराइन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट, मतलब रिवर ओशनिक पोर्ट नहीं है, रिवराइन, रिवर्स है, ठीक है। और उसके जो है कंजेशन को हटाने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है, दिख रहा है आप सभी को, यस सर, क्लिक ले लिया आप सभी ने, डन, यस सर, यस सर, रीड करो। यस सर। मेजर सी पोर्ट्स विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। ये पढ़ा है आपने इंडिया साइड लोकेशन में, यस यस सर, सर, यस सर, यस सर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 187 नोटिफाइड नॉन मेजर। 200, इट्स 200, ओके सर, सर मेरी बुक में 187 है। नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स, दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन द वे। अंडरलाइन करो। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूंगी साथ ही साथ कि आपके एनटीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में आपका, आप जानते हो, मैप आएगा, ठीक है, और ज्योग्राफी का डोमिनेंट जो है पोर्शन रहता है मैप में, तो ये सारा करते हुए चलिए, पोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पोर्ट सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क वगैरह सब बहुत इम्पोर्टेंट, मैप भी हम लोग करेंगे, ठीक है, बट जो मैं इम्पोर्टेंट बताते चल रहा हूँ उस पर अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। You may continue. यस सर, टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, इट केटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। मुंबई इज, यस सर, मुंबई इज द ये बिगेस्ट पॉइंट पोर्ट। समझ में आया आप लोगों को?
अच्छा ये टाइडल पोर्ट है, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। कहाँ पढ़ा था? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में आपने पढ़ा था, टाइड्स के यस जैसे सर, हैं टाइडल आप। एनर्जी, टाइडल यस एनर्जी। और गुजरात जानते हो आप, इज नोन फॉर इट। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। यस तो सर। अब ये किसके डिमांड्स को फुलफिल करेंगे? ठीक है, उन जगहों के जो कि पोर्ट से बहुत दूर है भाई, वहां पे तक सामान तो चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इन सब के जो ग्रेनरी रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है बाय मीन ऑफ दिस पोर्ट। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने नेपाल का आपको एग्जाम्पल दिया था, नेपाल का, भूटान का, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जो एरिया पोर्ट से दूर है, ये यहाँ पे है, इनको क्या कोई सामान नहीं चाहिए? यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, तो यहाँ से वो मंगवाएंगे। कांधला सबसे नजदीक होगा ना, किसी को बुलाएंगे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हिमालय को क्रॉस करते आओ यहाँ पे और डिलीवर करके जाओ। वो तो बुलाएंगे कांधला, कांधला से फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा या रेलवेज होगा, रेलवेज होगा, रोड तो बहुत जो है पास के लिए होता है, रेलवेज होगा, रेलवेज यहाँ से यहाँ, रोड यहाँ पे क्या करेगा, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, फिर रेलवेज के थ्रू यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, रेलवे से फिर यहाँ पे अनलोडिंग हुई, यहाँ पे लोडिंग हुई, यहाँ पे अनलोडिंग हो गई और पहुंचा दिया गया रेस्पेक्टिव प्लेस में। समझ में आ रही है बात, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा इन यस सब सर, यस गुड्स सर, है का, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं, ठीक है, कल की क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के, ठीक है, जितना पढ़ा दिया है वो कल पढ़ के आना, याद करके आना। बात समझ यस में आ रही है आप सभी को? यस सर, यस सर, यस सर, सभी लोग याद करके आएंगे कल, यस सर, ठीक है, कल डिस्कशन होगा इस पर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल बच्चों, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू बाय सर, सर। बाय सर। बाय एवरीवन।